mcdonline.gov.in में अपनी कर्मचारी आईडी पर पासवर्ड और अपनी फोटो कैसे लगाएं व वेतन स्लिप कैसे निकालें। आइए सबसे पहले हम gmail.com खोलते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप कीजिए। इसको टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा जो आपकी अपनी ईमेल आईडी का है, और उसके बाद साइन इन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपकी ईमेल लोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ कंपोज बटन पर क्लिक करना है। कंपोज क्लिक करने के बाद आपके यहाँ नीचे एक बॉक्स खुलेगा जिस पर मैं आपको टू के अंदर जिस पर हमें ईमेल आईडी भेजनी है उसका एड्रेस टाइप करेंगे, और वो एड्रेस है mcd-ithelpdesk@mcd.gov.in। इसके नीचे हम सब्जेक्ट टाइप करेंगे पासवर्ड रिक्वेस्ट। और नीचे हम मैटर टाइप करेंगे। इस मैटर में ये लिखेंगे कि मेरा नाम ये है और मैं इस स्कूल में कार्यरत हूँ, मैंने अपना लॉगिन पासवर्ड खो दिया है और मुझे एक नया पासवर्ड दिया जाए, मेरी बायोमेट्रिक आईडी ये है और मेरी ईमेल आईडी ये है। नीचे थैंक्स और अपना नाम। उसके बाद आपको सेंड बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार दोबारा अपनी डिटेल चेक कर लें कि आपने ईमेल सही लिखी है या नहीं, और उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कीजिए। याद रखें कि आपको ये ईमेल आपके पासवर्ड के लिए एक लिंक मिलेगा जो कि 24 घंटे के लिए मान्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दोबारा ही रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी ईमेल के द्वारा इसी ईमेल आईडी पर। रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको अपनी ईमेल लगातार चेक करनी होगी। यदि आपने किसी कार्य दिवस में ये ईमेल करी है तो आपको उसी कार्य दिवस में 5-6 घंटे के अंदर आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आपको उस लिंक को क्लिक करना है। आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है। यदि आपने किसी छुट्टी के दिन या अवकाश के दिन आपने ईमेल की है तो आपको अगले दिन वर्किंग डे में वो आपको ईमेल लिंक प्राप्त होगा। आइए देखते हैं लिंक प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कीजिए। यहाँ मैं किसी दूसरे अध्यापक या अध्यापिका की ईमेल आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और पासवर्ड टाइप कीजिए। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ नीचे नीले बटन पर साइन इन पर क्लिक करना होगा और आपकी ईमेल लोड हो जाएगी। इसमें लोड होने के बाद आपको दो ईमेल दिखाई देंगी। सबसे ऊपर पहली ईमेल खोलते हैं हम। इसमें आपका नाम आएगा और आपको लिखा आएगा रिगार्ड्स आईटी हेल्प डेस्क, और इसमें लिखा आएगा कि आपको ईमेल लिंक भेज दिया गया है। आप दूसरी ईमेल खोलिए। यहाँ पर देखेंगे आपको एक लिंक मिला है, नीचे समय भी दे रखा है कि किस तारीख को कितने बजे तक ये मेल वैलिड रहेगी। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो में लोडिंग शुरू हो गई है। आप इस विंडो पर जाएंगे तो एक मैसेज आपको दिखाई देगा, ए न्यू पासवर्ड हैज़ बिन क्रिएटेड एंड सेंड टू यू, प्लीज़ चेक योर ईमेल। अब हम दोबारा वापस अपनी ईमेल पर जाएंगे और पासवर्ड चेक करेंगे। दोबारा इनबॉक्स पर जाइए। यहाँ आपको नई मेल आई दिखाई देगी, पासवर्ड रीसेट, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें लिखा है, डियर सर मैडम, पासवर्ड फॉर यूजर लॉगन इज, आप इस पासवर्ड को याद रखें या कहीं लिख लें। अब आपको दोबारा एमसीडी की वेबसाइट पर जाना है, तो इसलिए आप एड्रेस बार में टाइप करेंगे mcdonline
www.gov.in और एंटर कीजिए। इसके बाद आपको नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको जो पेज खुलेगा उसमें लॉगिन्स पर क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको चौथा ऑप्शन दिखाई देगा, माय सर्विसेज, आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, जो आपकी कर्मचारी आईडी है वो डालिए इसमें, और नीचे जो आपको पासवर्ड अभी प्राप्त हुआ है ईमेल के द्वारा वो डालिए। आप इसे जाके कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप इसे पासवर्ड फील्ड में जाकर पेस्ट कर दीजिए और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। नया पेज खुलेगा, यहाँ आपको जो अपना करंट पासवर्ड है जो अभी आपको प्राप्त हुआ है वो टाइप करना है। अब आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है, तो इसमें याद रखिए कि आपको इसमें अंग्रेजी के छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, अंक 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कुछ भी, और एक स्पेशल करेक्टर @#, आदि टाइप करना है। अब वेरीफाई न्यू पासवर्ड, जो अभी आपने नया पासवर्ड बनाया है वो दोबारा डालिए इसमें और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ मैसेज पढ़िए, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन विद योर न्यू पासवर्ड। इस लॉग इन बटन पर क्लिक कीजिए और दोबारा अपनी कर्मचारी आईडी यहाँ पर डालिए। अब आपको अपना नया पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है। यहाँ हम अपना नया पासवर्ड डाल रहे हैं। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी नई विंडो खुल चुकी है। इसमें आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। नीचे पे स्लिप देखने के लिए आपको व्यू पे स्लिप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कौन से महीने की पे स्लिप चाहिए, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ नीचे फाइंड बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपकी पे स्लिप आपके सामने है। इसे प्रिंट करने के लिए आपको राइट साइड प्रिंट प्ले स्लिप छोटा सा लिखा दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एक नई विंडो में आपकी पे स्लिप खुलेगी जिसे आप यहां देख सकते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल पी दबाना होगा। कंट्रोल बटन दबाए रखिए और पी बटन दबा दीजिए। इसके बाद आप नई विंडो खुलेगी, इसमें आप जाके अपना पेज सेट कर सकते हैं A4, या आप अपना प्रिंट बटन दबाइए और ओके कीजिए। यहाँ एक PDF बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ PDF बन गई, या आप डायरेक्ट सीधा इस तरह से प्रिंट ले सकते हैं। अब इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब हम अपनी फ़ोटो सेट करेंगे। यहाँ एडिट पर क्लिक कीजिए और यहाँ अपलोड के अंदर चूज फाइल, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आपकी फ़ोटो सेव है वहाँ उसे फाइल को चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए और यहाँ सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटो सेव हो चुकी है और धीरे धीरे लोड हो जाएगी। इस तरह आप अपने यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो सेट कर सकते हैं। और भी अन्य डिटेल्स साइड में हैं, लेफ़्ट साइड, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। यदि आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट छोड़िए, आपका जवाब अवश्य मिलेगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस आदि
वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए और लगातार नए वीडियो आपको वहाँ प्राप्त होते रहेंगे। अंत में आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।